हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, जो इस समय बहुत ही चर्चा में है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सभी किसानों के लिए भी बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि अभी जो है फेयर एंड रिमुनरेटिव प्राइस जारी हुए, जिसमें कि गन्ने के 15 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से दाम की बढ़ोतरी हुई, तो इससे किसानों के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर साबित होगी। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। शुगर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत में चीनी उद्योग की क्या स्थिति है, इसके बारे में हम आपको आज बताते हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीनी मौसम वर्ष 22-23 अक्टूबर से सितंबर के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य FRP फेयर एंड रिमुनरेटिव प्राइस में 15 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। तो देखिए, ये हमारे जो है केंद्र और राज्य सरकार ने 15 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ने में बढ़ाया है। गन्ने का ये रेट कैसे निर्धारित होता है, ये रिकवरी दर गन्ने से प्राप्त होने वाली चीनी की मात्रा, जो गन्ने मतलब गन्ने की जो वैरायटी होती हैं उनमें जो है रिकवरी दर अलग अलग होती है, उसी के हिसाब से उनका प्राइस जो है निर्धारित करती है सरकार, जिसके आधार पर मूल्य कम या अधिक होता है। जिसमें रिकवरी दर अधिक होगी उसका मूल्य अधिक होगा, जिसमें रिकवरी दर जिस गन्ने की प्रजाति में कम होगी उसका मूल्य कम हो जाएगा। गन्ने की खेती के लिए कैसा मौसम चाहिए होता है, तो इसके लिए तापमान जो है उष्ण और आर्द्र जलवायु 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच चाहिए होता है, और वर्षा लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर, मिट्टी दोमट अच्छी गुणवत्ता युक्त मिट्टी होनी चाहिए। शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य हैं अपने यहाँ, प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है, द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश है, तृतीय स्थान पर कर्नाटक है। गन्ने से कौन कौन से उत्पाद बनाए जाते हैं, इसमें मुख्य रूप से गुड़ बनाई जाती है, राब बनाई जाती है, चीनी बनाई जाती है, एथेनॉल, अल्कोहल आदि बनाई जा सकती हैं ये सभी, और इसके जो बाई प्रोडक्ट होते हैं खोई, सीरा, ये सब बाई प्रोडक्ट भी जो बहुत ही उपयोगी होते हैं, जिससे कि CSB का निर्माण किया जाता है या खाद के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। गन्ने का मूल निर्धारण केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा FRP फेयर एंड रिमुनरेटिव प्राइस निर्धारित किया जाता है। इसका जो FRP है गन्ने का निर्धारण केंद्र और राज्य सरकार के साथ मिलकर करता है। भारत विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो चालू सीजन 2021-22 में ब्राज़ील को पीछे छोड़ दिया है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे देश ने जो है चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान हासिल किया है विश्व में, जो कि ब्राज़ील अभी तक सबसे ज़्यादा उत्पादन करता था उसे पीछे छोड़ दिया है। ब्राज़ील के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है, क्योंकि हमारे यहाँ खपत बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम उतना निर्यात नहीं कर पाते हैं। निर्यात में हमारा दूसरा स्थान है, लेकिन हम लगातार तत्पर हैं इसे भी बढ़ाने के लिए। तो भारत ने 2021-22 में 100 लाख मीट्रिक टन चीनी निर्यात किया है। तो भारत ने जो है अभी 100 लाख मीट्रिक टन चीनी निर्यात किया है। ये अभी 23 में इस 22-23 वाले सत्र में अभी 112-115 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य सरकार ने रखा है, और वो अभी पूरा हो जाएगा ये सितंबर अक्टूबर तक। तो ये एक मतलब बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमारे जो चीनी उत्पादन से या एथेनॉल उत्पादन से हमारी बहुत ही भारी राजस्व की प्राप्ति होती है। वर्ष 2021-22 में एथेनॉल की बिक्री से 20,000 करोड़ राजस्व
की प्राप्ति हुई थी। अब देखिए 21-22 में 20,000 करोड़ रुपए की सिर्फ इथेनॉल की बिक्री से हमें राजस्व प्राप्त हुआ था। वर्ष 21-22 में 35 लाख मीट्रिक टन तथा 25-26 तक 60 लाख मीट्रिक टन से अधिक चीनी को एथेनॉल में बदले जाने की संभावना है। अभी तो सरकार फिलहाल 35 लाख मीट्रिक टन चीनी को ही एथेनॉल में बदलती है, लेकिन जो 25-26 तक 60 लाख मीट्रिक टन में बदलेगी, क्योंकि एथेनॉल जो है हमारा जो भारतीय ऊर्जा का जो मुख्य संसाधन है वो तेल है, पेट्रोल डीजल। तो वो जो भारत अपनी ज़रूरत का 85% जो तेल है वो आयात करता है, इसीलिए अब सरकार ने एथेनॉल को जैसे जो है वर्ष 2010 में 10% तथा 2025 में 20% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाएगा। तो सरकार ने अभी डिसीजन लिया है कि अभी तक तो हम मतलब 2015 तक तो 5%, फिर 2015 से अब 10% एथेनॉल जो है पेट्रोल डीजल में मिलाते थे। अब 2025 में ही नहीं, इससे पहले ही सरकार का लक्ष्य है कि 23-24 में ही, इसमें 25 में बताया गया है, 2025 में 20% एथेनॉल पेट्रोल, तो ये 2023 या 24 में ही 20% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाएगा, जिससे कि मतलब जो विदेशी दूसरे देशों से हम तेल आयात करते हैं उसके आयात में कमी हो जाएगी। इससे हमारे बहुत भारी मात्रा में राजस्व की बचत होगी। तो भारत अपनी ज़रूरतों का 85% पेट्रोल तेल आयात करता है, ये हमारे लिए मतलब बहुत ही सोचनीय विषय है, क्योंकि अभी जो रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा था या अभी दूसरे देशों का कोई लफड़ा हो जाए तो हमारे देश में आयात तेल आयात में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी, जिससे हम दूसरों पर निर्भर रहकर अपना विकास नहीं कर सकते। इसलिए हमें इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करनी होगी, जिससे कि हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। तो हमारे भारत में कुल चीनी मिलें जो है वो 521 इस समय चल रही हैं और यूपी में 161 चीनी मिलें संचालित हैं। ये मतलब बहुत ही अच्छे संकेत हैं कि हमारा चीनी उद्योग प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिससे कि हमें आने वाले समय में अपनी जो है आवश्यकताओं की पूर्ति, राजस्व की प्राप्त और जो ये तेल की आयात की निर्भरता पर भी कमी होगी। तो जैसा कि सभी दोस्तों को पता है, मैं पिछले वीडियो से एक प्रश्न डिस्कस करता हूँ जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहता है। तो आज का प्रश्न है, भारत में वर्ष 2030 में सभी व्यक्तियों की औसत आयु होगी, तो जो भारत में कुल जनसंख्या है उसकी औसत आयु, जो हमने कल टॉपिक डिस्कस किया था पॉपुलेशन डिविडेंड पर, तो उसमें जो है सभी किसी की 49 साल औसत आयु, किसी की 38, 37, 35, तो भारत की उस समय कितनी औसत आयु होगी 2030 में, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर ये पढ़ाई अच्छी लगती है तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर डिवीजन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। इसमें आप लोग कंजूसी ना करें, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और हमारा परिवार बहुत तेज़ी से बढ़ा है, इसमें हमारे साथियों का बहुत ही योगदान रहा, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद।